Welcome again, friends. Draw with RG. Now, मैं सेकंड आई को ड्रॉ करूँगा. सेकंड आई के बाद मैं पूरा फेस को ड्रॉ करूँगा, पूरा फेस. और देन इसी वीडियो में मैं आपको हेयर्स भी ड्रॉ करके दिखाऊँगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं. अभी मैं आईज को ड्रॉ कर रहा हूँ. आप देखना कि किस तरह से मैं आईज को ड्रॉ कर रहा हूँ. और ये मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ. जो आईज में हाईलाइट होते हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ रियलिस्टिक लाने के लिए. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आईज, एक जो राइट हैंड साइड का आई है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है. इसी तरह से फ्रेंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड का आई भी लगेगा. ड्रॉ होने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि कैसे लगेगा. सिर्फ आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है, किस तरह से मैं पेंसिल को यूज कर रहा हूँ, किस तरह से इरेजर का यूज कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग टूल का किस तरह से यूज कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है. और किस तरह से मैं ब्लेंडिंग करता हूँ, स्मूथ कैसे करता हूँ, ये आपको देखना है. स्मूथ करने के लिए मैंने यूज किया है ब्लेंडिंग स्टम्प, जो बनाया है खुद से बनाया है ब्लेंडिंग स्टम्प. ये मैं अभी एक जेली रोल पेन का यूज कर रहा हूँ, सकुरा जेली रोल. ये सकुरा जेली रोल है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ फॉर हाइलाइट्स. फ्रेंड्स, मैं पूरे फेस को ब्लेंड कर रहा हूँ. पूरे फेस पर रियलिस्टिक लेके आना है कि किस तरह से फेस है. हर एक मूवमेंट को ध्यान से देखना है कि किस तरह से मैं स्केच कर रहा हूँ, पेंसिल का यूज कैसे कर रहा हूँ और ब्लेंडेड कैसे कर रहा हूँ इसको. बहुत हल्का पेंसिल यूज कर रहा हूँ लेकिन ब्लेंडेड ज़्यादा कर रहा हूँ उसको, ब्रश से और ब्लेंडिंग टूल. जो मैंने हैंडमेड ब्लेंडिंग टूल है, मैं एक हैंडमेड ब्लेंडिंग टूल बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा.
फ्रेंड्स, इसका सेकंड और फर्स्ट पार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको नहीं पता है तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने किसी ने जो भी नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी सेकंड और फर्स्ट पार्ट इसका चाहिए इस ट्यूटोरियल का, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कमेंट में मेरे को बता देना जिसको भी चाहिए। ओके गाइज, फ्रेंड्स, अब मैं हेयर्स को बनाऊंगा। हेयर्स के लिए मैं एक 5B पेंसिल और एक 8B पेंसिल का यूज करूंगा।
दो पेंसिल से ही हेयर्स को बनाऊंगा। इसमें मैं कैमलिन पेंसिल का चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं करूंगा, या चारकोल का कोई भी पेंसिल मैं इसमें यूज़ नहीं करूंगा। सिर्फ लाइट हेयर बनाना है मेरे को इसमें, इसलिए मैं लाइट पेंसिल यूज़ करूंगा। इसके लिए ओनली ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं हेयर्स को यूज़ कर रहा हूं, किस तरीक़ा से स्ट्रोक्स बना रहा हूं हेयर्स का। हेयर्स का स्ट्रोक बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो रियल लगता है। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से हेयर्स का स्ट्रोक्स बन रहा है, और साथ साथ मैं उसे ब्लेंड भी कर रहा हूँ ताकि वो एक रियलिस्टिक आए इस पर। और मैं इस पर दो तीन लेयर यूज करूँगा। पहली लेयर में केवल स्ट्रोक यूज करके उस पर ब्लेंडिंग करूँगा, उसके बाद फिर 8B पेंसिल का यूज करूँगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 5B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। इसमें केवल मैं दो पेंसिल का यूज़ किया है, 5B और 8B पेंसिल, वो भी फेवर कैस्टिल का पेंसिल है। मेरे पास ओनली फेवर कैस्टिल पेंसिल था, इसलिए मैं फेवर कैस्टिल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। गाइज, आप कोई भी पेंसिल का यूज करके बना सकते हैं। आप इसमें कैमलिन या आप इसमें कैमलिन का भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें चारकोल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं डार्क लाने के लिए, हेयर्स को डार्क करने के लिए। ये हेयर्स का स्ट्रोक मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से बन रहा है। फेस का रियलिस्टिक स्ट्रक्चर आ चुका है, टेक्सचर रियलिस्टिक आ चुका है, आप देख सकते हैं।
ओके गाइज, हेयर स्ट्रो हो चुका है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी एक और बचा है, इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा शो दिखाऊंगा कि कैसा है, कैसे लग रहा है, कैसे नहीं भी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें जो भी कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।